Hachi? Yeah. Ku? Yeah. Stu? Yeah. Three? Yeah. Six? Yeah. Fast manne ka try karo. Seven? आर्टिकल है जो कि हमारे दुकान पर आया हुआ है, नया शर्ट बोलते हैं इसको, और भी बहुत सारे बाहर में देख रहे हैं, ये भी है नया न्यू शर्ट आया हुआ है, ये भी न्यू आया हुआ है, ये आर्टिकल और वहाँ पर भी दो वाइट वाले आर्टिकल हैं और एक ये आर्टिकल। ये सब जितने भी आर्टिकल हैं ना, ये सब न्यू आए हुए हैं। आप लोगों को ना एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ठीक है, मैंने आज तक जब भी जितना भी शर्ट उठाया है लगभग 450 से 500 रुपये के बीच में शर्ट उठाया, लेकिन इस बार मैंने 850 रुपये का शर्ट उठाया है। मैं दिखाता हूँ 850 रुपये का शर्ट कैसा होता है। देख रहे हैं ये 850 रुपये का है, यानी कि मैं इसे बेच रहा हूँ 850 रुपये में, लगभग इसका आधा मेरा खरीद पड़ा है। आप सोच रहे हैं कि 850 रुपये का शर्ट कौन खरीदेगा, वो भी हम लोग से छोटे मोटे, और वो भी हम लोग से छोटे मोटे दुकानदार से 850 रुपये का शर्ट। अब देखते हैं कि ऐसा शर्ट मेरे पास 3 पीस कितना दिनों में बिकता। मुझे लग रहा है कि समय लगेगा, क्योंकि 850 रुपया सबको अफोर्डेबल नहीं होता यहाँ पे, यानी जिस मार्केट में मेरा दुकान है 850 रुपये का शर्ट लगभग कोई नहीं खरीदेगा। सारे कपड़े यहाँ बिखरे पड़े हैं, अभी सब कपड़े को अपने अपने जगह पे रखना पड़ेगा। और कुछ माल आया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स माल आया हुआ है, इसको भी एडजस्ट करना है। वो बॉक्स में कौन सा आर्टिकल आया हुआ है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वाली वीडियो में आपने देखा था कि मैं 8 क्लासेस कराया, आज लगभग 9 क्लासेस हैं, यानी संडे सैटरडे को मेरा बहुत ज़्यादा क्लासेस होता है। तो अभी मैं सुबह से 2 क्लासेस करा चुका हूँ, और अभी मैं 11:30 एक और क्लासेस जाऊँगा, उसका कंटिन्यू क्लासेस है पूरा दिन में। मैंने सारे कपड़े को सजा दिया हूँ, और अब बात करते हैं कि वो जो मैंने बॉक्स दिखाया उस बॉक्स में कौन सा माल है। तो आज आप इतने सारे बॉक्स देख पा रहे हैं, और यहाँ पर इतने सारे बॉक्स हैं। इस बॉक्स में आप देख सकते हैं साइज़ 24 to 28, 22 to 26, 28 to 32। ये जो साइज़ है, इस साइज़ में छोटे छोटे बच्चों का जो टी शर्ट आता है वो है इसमें, ये और ये, इसमें छोटे छोटे बच्चों का टी शर्ट है, और ये दोनों में आपका 40 and 42 साइज़, यानी कि XL और XXL, XXL फुल टी शर्ट है इसमें। और इसमें ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका साइज़ होता है 0, 0 to 6, 0 to 5, 0 to 8, तो इसमें सारे कॉम्बिनेशन है 0 to 5 and 0 to 6 के। जानना चाहते हैं कि कपड़े में कितना मार्जिन होता है, और कपड़े कहाँ से उठाते हैं, और कितना प्रॉफिट होता है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और कोई भी मन में क्वेश्चन है ना तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फोन करेगा, चलो गो, हमारा करके दिखाओ, ट्राई तो कर, अरे ट्राई करो ना, कि नहीं होगा, नहीं होगा क्या होटल, आप करिए ऐसे ही। 5 आई मौत है। तो वेरी गुड इवनिंग, काफ़ी जोड़ों की हवा चल रही है, सारा दिन क्लास कराने के बाद लास्ट क्लास अभी मैं करा रहा हूँ सर, ये 8:30 से लेकर रात के 10 बजे तक चलेगी, उसके बाद मैं आज फ्री हो जाऊँगा, यानी पूरा कराटे क्लास खत्म हो जाएगा। और मैं वहीं आया हूँ जो अपनी लास्ट वाली वीडियो में जो क्वेश्चन देखा था, उसमें संध्या था और अभी रात है, यानी कि नेक्स्ट डे रात है आज। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी जोड़ों की अभी बिजली कड़क रही थी, ठीक है, अभी आपको वीडियो में दिखने को मिल जाएगा ये लोकेशन, कुछ ऐसा रात को कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है, और काफ़ी जोड़ों की आंधी आ रही है, अब शायद बारिश होने वाली है बहुत जोड़ों की, देखते हैं कब तक बारिश होती है, होगी तो इतना शोर है। और ये रहा क्लासेस, बच्चे अभी आए थे, बच्चे 2 बच्चे यहाँ पे, एक बच्चा आया था तो उस बच्चे को बोला एक और बच्चा को लेके आने के लिए, तो वो लाने के लिए गया है। और यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ का, काफ़ी जोड़ों की बिजली कड़कने वाली है यहाँ पर, और काफ़ी जोड़ों की बारिश भी होने वाला है।
बारिश के मौसम में भी ना देखिए लोग वहाँ पर शादी कर रहे हैं। ये मॉल है, मॉल के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही विका है जो कि शादी के लॉज वगैरह है, तो वहाँ पे आज भी शादी हो रही है। यानी कि इतना बारिश में आने वाला है आंधी तूफान, फिर भी शादी हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे।